हेलो एंड वेलकम टू माय दार्जिलिंग सीरीज। और आज है हमारा लास्ट डे, तो मैं हूँ बहुत ही सैड। जैसे आप लोगों ने देखा, वी हैव जस्ट चेक्ड इन टू द मेफेयर होटल और अभी हम निकल के आ गए हैं लंच खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि आज हम थोड़ा बाहर लंच करेंगे, कोई चाइनीज खाना खाएंगे। गरम गरम चाइनीज फूड वुड बी ऑसम ये ठंडी में। तो हम जा रहे, हमने देखा है शांग्रीला करके कोई तो होटल है जिसका जो रेस्टोरेंट है वहां पे बहुत अच्छा चाइनीज मिलता है। तो वी आर गोइंग इन सर्च गूगल मैप, देख देख के हम जा रहे टुवर्ड शांग्रीला। लेट्स सी एंड जो भी खाएंगे जैसे भी होगा आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो टू शांग्रीला। भगवान, इतना भटक भटक के गए और बोलते हैं कि रेस्टोरेंट बंद है बिकॉज इट इज नॉट द सीजन। नाउ तो आ गए हैं वापस ग्लेनरी और यहाँ पे ही हम खा लेंगे हमारा लंच, द लास्ट लंच एट दार्जिलिंग। और ये जो इनका बेकरी है ना, यहाँ से भी थोड़ा टिटबिट घर के लिए ले लेंगे। तो चलिए दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो लेट्स गो एंड दिस इज इनसाइड ग्लेनरी। आप लोग भी एक नजर मार लीजिए, क्योंकि अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हो तो ग्लेनरी में खाना तो बनता है। तो देख लीजिए, दिस इज ग्लेनरी फॉर ऑल ऑफ यू। और मैं जाके फटाफट एक टेबल लेती हूँ एंड देन लेट मी खाना मेरा जो भी चाइनीज ही खाऊंगी। अभी दिमाग में बैठ गया है कि चाइनीज खाना है तो चाइनीज ही खाऊंगी। तो फटाफट ऑर्डर कर देती हूँ, खा पी के फिर हम वापस जाएंगे होटल, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉपर्टी को भी एंजॉय करना है। तो चलिए चलते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं और फिर खाते हैं और फिर जाएंगे होटल। तो देख लीजिए, गया है हमारा थोड़ा सा फैंसी खाना और अब हम निकल पड़े हैं। तो चलो चलते हैं, जाते हैं वापस। और हमने थोड़ा सा टिटबिट भी ले लिया है, क्यों यस चलो चलते हैं वापस होटल के तरफ और जाके थोड़ा प्रॉपर्टी का टूर करेंगे। प्रॉपर्टी का जो मैं एक अलग से व्लॉग बना रही हूँ, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पोस्ट करूंगी मैं ऑन थर्सडे, सो दैट एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन चेकिंग इन एट मेफेयर होटल व्हेन यू आर इन दार्जिलिंग, तो आप प्रॉपर्टी अच्छी तरह से देख सकते हो और फिर यू कैन चेक इन। तो वो व्लॉग मैं अलग से डालूंगी ऑन थर्सडे। फिलहाल तो मैं जाती हूँ, प्रॉपर्टी में पहुंच गई हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर बैठती हूँ और फिर नीचे जाके चाय पीती हूँ। हाई टी विल बी देयर नियर द रिसेप्शन एरिया एंड इट्स इन हाउस। तो हो गया है हमारा टी टाइम। तो ये देखिए मिल रहा है झालमुड़ी एंड चाय, ऊफ मजा आ गया। झालमुड़ी इज नथिंग बट सूखा भेल बट विथ लिटिल बिट ऑफ मस्टर्ड ऑयल, सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ झालमुड़ी। चलो पीते हैं चाय और खाते हैं झालमुड़ी और फिर मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। कितना खाते हैं ये लोग, यही सोच रहे हो ना आप लोग? हाँ यार, मैं बहुत खाती हूँ। और देखो डिनर टाइम हो गया, हम आ गए डिनर के लिए। और इससे पहले थोड़ी देर हम लोग बैठे थे लाउंजिंग एंड थोड़ा सा वी वर रेमिनिसाइजिंग कि क्या क्या किया, क्या नहीं किया, क्या मिस किया। और हाँ, इस ऑन दिस नोट मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोगों का ये जो दार्जिलिंग आइटिनरी था ना, इसमें दार्जिलिंग जू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दार्जिलिंग में अगर आप आ रहे हो तो जू में जरूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स जो है बहुत रेयर है। यू विल नॉट गेट टू सी इट इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेज इन आर कंट्री। सो दार्जिलिंग जू इज समथिंग यू शुड नॉट मिस। बट हम लोगों के पास टाइम नहीं था, हम लोग बहुत टायर्ड भी थे, तो वी हैड टू गिव इट अ स्किप। बट येस, डू नॉट मिस दार्जिलिंग जू। सो ऑन दैट नोट, ये देखिए हमारा डिनर, ऑसम बुफे स्प्रेड है, ऑसम। देख के ही जो वो हो रहा है लालच, मतलब लग रहा है कब खाना लूँ और खाऊं, पर नहीं, पहले आप लोगों को दिखा दूं। देखो लॉयल्टी इसको कहते हैं। तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो चलो चलते हैं, खाना आप लोगों को एक बार दिखा दूं, फिर फटाफट प्लेट उठाती हूँ, खाना लेती हूँ और खाती हूँ। भूख जबरदस्त लगा है एज यूजुअल एंड ऑलवेज।
खाना पीना डन। और ये देखो हम रूम आ गए हैं, और रूम में जैसे आप लोगों को मैंने सुबह बताया था, देर इज दिस फायर प्लेस। तो ये बंदा होटल से आ गए हैं टू लाइट इट अप सो दैट आराम से हम रात को सो सकते हैं, बिकॉज इट इज फ्रीजिंग, इट्स जस्ट फ्रीजिंग। सो आई हैव कैप्चर द होल थिंग, कैसे वो लगा रहे आग और वॉट ऑल ही इज डूइंग फॉर आप लोगों के लिए। तो देखिए इट इज रियली रियली डिफरेंट एंड नाइस एंड वाओ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो लेट्स चेक इट आउट। और इसी के साथ चलो सो जाते हैं। द लास्ट नाइट एट दार्जिलिंग, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग एज मच एज वी आर। और क्या करना होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा। नहीं नहीं नहीं, व्लॉग खत्म नहीं हुआ, मैं जैसे ही बोल रही हूँ कि यार बहुत मेहनत कर रही हूँ, सो प्लीज। द नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है सुबह, और जो दिन हमको बिल्कुल नहीं चाहिए वो दिन आ गया है। अभी हमको फटाफट ब्रेकफास्ट खा के निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फ्लाइट है एट 3 PM। तो यहाँ से इट इज़ लगभग 3 hours ऑफ जर्नी। सो हमने मेक माई ट्रिप से वापस से बुक किया है हमारा कैब। वेल इट वॉज ऑल प्री बुक, सो आई कुडेंट चेंज इट। हमारा आते वक्त जो मिसहैप हुआ था उसके बाद आई वॉन्टेड टू चेंज इट बट आई कुडेंट। सो वही मेक माई ट्रिप से हमको वापस जाना पड़ेगा। पता नहीं अभी अभी का क्या एक्सपीरियंस होगा, नहीं मालूम, बट नो चॉइस। तो चलो फटाफट ब्रेकफास्ट खाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं टुवर्ड्स बागडोगरा एयरपोर्ट। सो दार्जिलिंग को बाय बाय करना पड़ेगा, एंड वेल ऑल गुड थिंग्स नीड टू कम टू एन एंड, बट द ब्रेकफास्ट इज यम, सो दैट्स वन गुड थिंग दैट थिंग्स आर कमिंग टू एन एंड ऑन अ वेरी गुड नोट। तो चलो खाना खा के दार्जिलिंग को बाय बाय करते निकलते हैं टुवर्ड्स बागडोगरा एयरपोर्ट एंड बैक होम टू मुंबई। दार्जिलिंग को बाय बाय करते हुए कंचनजंगा को लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, आई होप टू सी यू मे बी वंस अगेन वेरी सून। चलो चलते हैं वापस विद अ वेरी हैवी हार्ट, बट देन यस एज आई सेड अर्लियर ऑल गुड थिंग्स नीड टू कम टू एन एंड, और जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। MMT, थैंक यू MMT सो मच कि एज यूजुअल ड्राइवर बहुत लेट आया, 45 मिनट्स लेट। और उसके बाद देखो हमारा हाल, मतलब दार्जिलिंग में जितना भी एंजॉय किया था सब जैसे कि लगा एक झटके में निकल गया। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा है जब वी मेट में कैसे वो लोग पागलों के गाड़ी चला के एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन पहुंचते हैं, हम उससे भी ज़्यादा पागलों के जैसे गाड़ी चलाया वो बंदा ने, क्योंकि हमको टाइम पे पहुंचाना था एट द एयरपोर्ट। सो मतलब एट वन पॉइंट लगा कि शायद हम एयरपोर्ट नहीं सीधा ऊपर ही पहुंच जाएंगे, एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे नहीं, ऐसे उन्होंने गाड़ी चलाया। बट देन एनीवेज थैंक यू सो मच भैया, क्योंकि आप लोग आपने हमको टाइम पे पहुंचा दिया है एट द एयरपोर्ट। तो देखिए हम कैसे पागलों के जैसे भाग रहे।
ऑलमोस्ट जान हथेली पे वी हैव एट लास्ट रीच बागडोगरा एयरपोर्ट. एक टाइम पे तो लगा था आज पहुंचेंगे ही नहीं, बट एनी विच वेज ये देखो हमारी फ्लाइट आ चुकी है और अभी हम जाने वाले हैं. वी बोर्डिंग हैज स्टार्टेड सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एयरक्राफ्ट. यहाँ पे ना चल के चले जाते हैं, ऐसा ही है, इतना छोटू सा एयरपोर्ट है तो, बट वॉट एवर इट इज, तो चलो चलते हैं, बैठते हैं और घर जाते हैं. बाय बाय बागडोगरा एयरपोर्ट, बाय बाय दार्जिलिंग, लॉट ऑफ मेमोरीज, गुड मेमोरीज, सी यू वेरी सून, होप टू सी यू वेरी सून. और चलो चलते हैं हम बैक टू मुंबई. और ये हम पहुंच गए हैं आमची मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स. तो चलो चलते हैं घर और नेक्स्ट कहीं कहाँ जाएंगे उसकी तैयारी शुरू करते हैं. तो ऑन दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू. अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, और यस प्लीज 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 सब्सक्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट. देख के ऐसे ही मत छोड़ के जाइएगा, प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा. थैंक यू वंस अगेन.